दोस्तों, आप सब लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना है, और आप में से बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में भी सुना होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता नहीं है कि ETF क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, इसके टाइप्स एंड एडवांटेजेस को भी समझेंगे, और लास्ट में ये भी समझेंगे कि ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हैं। आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं ETF के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वेरियस सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, मनी मार्केट का एक कलेक्शन होता है। ये एक स्टॉक की तरह ही होता है, जिसे आप बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी इंडेक्स होता है एंड जिसमें 50 अलग अलग कंपनी शेयर से मिलकर बनता है, उसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अलग अलग सिक्योरिटीज का कलेक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता कि निफ्टी क्या होता है तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज लिस्टेड हैं और नई नई कंपनीज रजिस्टर होती रहती हैं। ऐसे में ये आइडिया लगाना डिफिकल्ट हो जाता है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, जिसके लिए टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस की एवरेज ली जाती है, जिसे निफ्टी बोला जाता है। म्यूचुअल फंड अलग होता है। म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लोगों से पैसा लेके अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे ETFs काफी सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड से। अब आइए जानते हैं ये कैसे काम करते हैं। ETFs में शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनको स्टॉक मार्केट में जनरली शेयर्स के फॉर्म में ट्रेड किया जाता है। ETF फंड्स मेजर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, जहां इनको ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम सेल एंड बाय किया जा सकता है। अगर इंडेक्स के प्राइस में अप एंड डाउन होता है तो उसका असर ETF पर पड़ता है, यानी ETF का रिटर्न अंडरलाइंग एसेट एंड इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी बीज इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो निफ्टी 50 की सक्सेस को मॉनिटर करता है। इसके फंड मैनेजर स्टॉक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स में से ही परचेज करते हैं इंडेक्स के रिटर्न से मैच करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड में एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है और उस कलेक्टिव अमाउंट को वो म्यूचुअल फंड कंपनी बॉन्ड, शेयर और कमोडिटी में इन्वेस्ट करती है, ETFs में भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन ETF में ऐसा है कि आप किसी भी टाइम इसे एक शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड के साथ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है विच फॉलोज बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम। बिजनेस साइकिल से यहाँ मतलब है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं। हर बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लम्प। इक्विटी सेक्टर की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने में इस साइकिल का क्रिटिकल रोल होता है। तो ये फंड इस बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें इस साइकिल के अकॉर्डिंग राइट सेट ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि रीजनेबल रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी हो लॉन्ग टर्म में। बात करें कुछ और की पॉइंट्स की, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी सारे सेक्टर्स एंड सभी तरह की मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने की। पोर्टफोलियो को डिफेंसिव एंड नॉन डिफेंसिव सेक्टर्स में बाइफर्केट किया जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टर्स रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO ओपन हुआ था 15 नवंबर को एंड इसकी क्लोजिंग डेट है 29 नवंबर 2021। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब आइए ETF के टाइप्स की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सेवरल टाइप के होते हैं। इंडिया में ETFs अभी नया है। अभी यहाँ अराउंड 100 ETFs हैं, जिसमें कि मैक्सिमम इक्विटी ETFs हैं। आइए जानते हैं टाइप्स को। पहला है इक्विटी ETFs। इक्विटी ETF में शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट होती है या किसी स्टॉक के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है बॉन्ड ETFs। बॉन्ड ETFs कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए होते हैं। इसमें ETF गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है कमोडिटी ETFs। कमोडिटी ETFs में फिजिकल कमोडिटी सच एज ऑयल, एग्रीकल्चर गुड्स और नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया जाता है, लाइक गोल्ड, मेटल्स एटसेट्रा। अगला है करेंसी ETFs। करेंसी ETFs में ग्लोबल करेंसीज सच एज US डॉलर, यूरो एटसेट्रा में इन्वेस्टमेंट होता है। एंड लास्ट, इनवर्स ETFs। इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये पब्लिक स्टॉक मार्केट या किसी एक्सचेंज के इनवर्स परफॉर्म करें, यानी मार्केट अगर डाउन जाए तो प्रॉफिट होगा, यानी मार्केट के परफॉर्मेंस के जस्ट ऑपोजिट इस फंड की परफॉर्मेंस होगी। चलिए अब टाइप्स के बाद ETFs के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के एडवांटेजेस की बात करें तो पहले आता है इसकी लोअर कॉस्ट। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ETFs काफी लोअर कॉस्ट होते हैं।
बिकॉज इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी मैनेजर, एनालिस्ट एंड ब्रोकर को पे नहीं करना होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स क्वार्टरली डिस्क्लोज करते हैं, जबकि ETFs, ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडिंग स्कीम्स के लिए डेली डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा ETFs मोर टैक्स फ्रेंडली होते हैं म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में। ये थोड़े लेस रिस्की होते हैं बिकॉज इनको पैसिवली मैनेज किया जाता है। ETFs इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सके अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स एंड कंट्रीज। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि आपको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है जब भी आप बाय एंड सेल करते हैं। तो जो लोग ऑफन ट्रेडिंग करते हैं और कई बार परचेज एंड सेल करते हैं, उनके लिए ये उतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा। अब और क्लैरिटी के लिए लास्ट में म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के पॉइंट ऑफ डिफरेंस को जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बाय एंड सेल। जैसे हमने ऊपर समझा, म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं, जबकि ETFs को पूरे दिन में स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली बाय एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड में प्राइसिंग डेली बेसिस पे होता है जब मार्केट क्लोज होता है, जबकि ETF में थ्रू आउट द डे प्राइस वेरी करता है एक स्टॉक या शेयर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई भी रह सकती है, ये उस म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड पे डिपेंड करेगा। वहीं ETF में मिनिमम 1 शेयर भी बाय करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज डीमैट अकाउंट। म्यूचुअल फंड के लिए किसी डीमैट अकाउंट की नीड नहीं होती, लेकिन ETF के लिए डीमैट अकाउंट की नीड पड़ती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने समझा ETF के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।